बढ़ते अगली खबर की ओर। पंचायत कर्मियों की हड़ताल को लेकर अब सियासत भी गर्माने लगी है। प्रदेश के 70,000 पंचायत कर्मियों की हड़ताल से पंचायतों का काम ठप पड़ गया है। पंचायत कर्मियों की हड़ताल के बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पंचायत कर्मियों की मांग जायज है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मिनी सरकार कही जाने वाली ग्राम पंचायत में तालाबंदी है। हठधर्मिता की वजह से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार को यह परेशानी नहीं दिख रही है। गांव में मनरेगा का काम बंद होने से मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार को समस्या का समाधान तुरंत करना चाहिए। प्रदेश की पंचायतों में ताला डाला हुआ है और सरकार कान में ताला डाल के और सरकार की जो मुख बधिरता कि लोगों के अधिकारों को ना देना चाहते हैं, जो मांगे हैं वो जायज मांगे, उन जायज मांगों पे बात करके उनका निराकरण करके कहीं ना कहीं उनको पंचायतों को चलाने का काम करें। आज मनरेगा का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, मजदूरी बंद पड़ी हुई है और जिस प्रकार से ग्रामीण व्यवस्थाओं में अव्यवस्था आने का काम हो रहा है और सरकार जानबूझ के इसे बढ़ाने का काम कर रही है। ना तो सरकार चर्चा कर रही है, ना चर्चा करने से लग रही है और जो बातें जो वादे कर रखे थे उसे पूरा करने की बजाय सरकार सुनने का।